2022 में योगी आदित्यनाथ की पुनः सरकार बनने के बाद लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हम आपको ऐसी ही लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अपना भगवान मानती हैं और घर के मंदिर में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर रोजाना पूजा भी करती हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि सातवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के मन मस्तिष्क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली ने ऐसा असर डाला है कि वह उन्हें अपना भगवान मानती है और घर के मंदिर में तस्वीर लगाकर रोज उनकी पूजा करती है। 12 साल की छात्रा राधिका तोमर का कहना है कि उनकी यह सोच इसलिए बनी है कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ योगी सरकार सख्त है और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करती है। और छात्रा का कहना है कि फिल्म में हीरो तो गुंडे बदमाशों को मारने का सिर्फ अभिनय करते हैं, असलियत में रियल हीरो योगी आदित्यनाथ है। बेटी बड़ा इम्प्रेस है योगी जी से, नेता बहुत हुए और सब नेताओं न्यूज देखती है, मगर योगी जी की न्यूज आ जाए तो हट नहीं है। योगी जी साक्षात इनके लिए इसके लिए भगवान है और ये कह रही मुझे भगवान से एक बार मिलना है, बस मैं एक बार योगी जी से मिलूं, मेरे भगवान है, मेरी इच्छा है कि मैं योगी जी से मिल जाऊं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, पहले कार्टून देखती थी जब से योगी जी के कार देखे हैं, पहले पेपर नहीं पढ़ती थी, अब पेपर अखबार पढ़ती है और कहती है पापा मुझे तो अखबार मंगवाओ, मैं अखबार पढ़ूंगी, योगी जी आज योगी जी ने ये कर दिया, पापा आज योगी ने वो कर दिया, मैं नहीं पढ़ पाता, मुझे न्यूज़ देती है। मैं थोड़ा राजनीतिक आदमी हूँ मगर ये बिल्कुल योगी जी का फैन है। अच्छा लगता है मुझे, और ये जिद करती है कि मुझे योगी जी से मिलवा दीजिए मम्मी पापा, वो मैं साक्षात भगवान से मिल लूँगी। हाँ, योगी जी से मिलने की तमन्ना है, बहुत ज़्यादा है। जब ये मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद में एक दो साल के बाद में थोड़ा लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि है बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, मेरी बच्ची इंटरेस्ट ले रही है, एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं मुख्यमंत्री जी के जिनमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनने के बाद छात्रा ने अपनी गुल्लक तोड़ दी और उससे कॉलोनी में 2000 रुपए की मिठाई बांटी और छात्रा का एक सपना है कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनने के बाद लगातार योगी आदित्यनाथ भू माफिया और गुंडों पे ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, तो बता दें कि जिसके चलते लोग उनसे बहुत खुश हैं और जो उनके लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बलकेश्वर में, यहाँ हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है राधिका तोमर। बता दें कि राधिका तोमर भगवान की तरह योगी आदित्यनाथ को पूजती हैं, जैसे वो सुबह उठकर भगवान की पूजा करती हैं वैसे ही वो योगी आदित्यनाथ की सुबह पूजा करती हैं। अच्छा, आप मेरे पीछे यहाँ मंदिर में देख सकते हैं कि मंदिर में कई भगवान की मूर्तियां हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की भी यहाँ पर फोटो लगी है। अच्छा, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ ऐसा रहा, किन बातों से और किन कामों से वो इतनी प्रसन्न हुई कि वो योगी आदित्यनाथ को भगवान की तरह पूछती हैं। क्या नाम है? राधिका तोमर। राधिका, ये मन में कहाँ से आया कि योगी आदित्यनाथ को आपने एक भगवान का दर्जा दिया और आज उनको आप जैसे भगवान की पूजा करती हैं वैसे ही सुबह उठ के आज योगी आदित्यनाथ जी की पूजा करती हैं? वो बिल्कुल भगवान जी की तरह ही तो काम कर रहे हैं, हमारे लिए सुरक्षा कर रहे हैं, बेटियों के लिए सुरक्षा, और जो किडनैपर्स हैं वो सोचते हैं 100 बार बच्चों को मारने की काटने की 100 बार सोचते हैं, तो वो भी एक भगवान की ही जैसे ही हैं, वो जैसे भगवान काम करते हैं हमारे लिए, इंसानों के लिए भगवान जैसे मदद करते हैं वैसे ही योगी जी हमारे लिए मदद करते हैं। अच्छा, जैसे कि बात करें उनके कामों की, तो ऐसे कौन से उनके काम थे जिनको आप देखकर काफ़ी प्रसन्न हुई और इस तरीके से आपने उनको पूजना चालू किया? जैसे कि बेटियों की सुरक्षा करना जो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, बेटियों की सुरक्षा और चोरों से छुटकारा पाना, और जो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो देखते रहते हैं उनसे सुरक्षा। आपकी आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल की उम्र में बात करें तो बच्चियां कार्टून देखती हैं,
टीवी देखती हैं, खेल कूद में ज़्यादा रहती हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिक्स में इतनी रुचि और योगी आदित्यनाथ के कामों से इतना प्रसन्न हुई है, तो ये सब कैसे की? पहले पापा बैठे हुए थे, न्यूज़ देख रहे थे, तो मैंने बोली पापा से, वो क्या न्यूज़ देखते रहते हो आप, मुझे अपना कार्टून देखने दो ना। तो फिर पापा ने बोली, इसे सुन तो सही, गौर से सुन इसको, अच्छे से सुन इसको, योगी जी आ रहे हैं देख। तो फिर मैंने देखा और उनके काम मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उनकी पूजा करने स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि जो जब दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, योगी जी की दोबारा पुनः सरकार बनी, उसके बाद आपने जो गल्लक में पैसे जोड़े थे वो आपने गुल्लक तोड़ दिया और उसके लिए उसके बाद आपने मिठाई वगैरह वितरित, उसमें ये किस तरीके से? ये इसलिए सोचा क्योंकि पहले जो मेरा काम होता था तो मैं भगवान जी के लिए पैसे जोड़ देती थी और उनसे मिठाई लाती थी, तो ये भी तो मेरे एक भगवान है, उनकी खुशी हुई है, तो उनकी खुशी और मेरी खुशी दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने अपना गुल्लक तोड़। बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े जैसे कि बात करें अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, प्रियंका गांधी हैं, और इतने बड़े बड़े राजनेता हैं, तो योगी जी ही क्यों पसंद? योगी जी का ऐसा काम, ऐसा रुतबा मुझे इतना भाया कि मैंने उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया और बस वही मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, बात करें उनसे मिलने की, अगर आपको मौका मिले उनसे मिलने का तो मिलना चाहेंगी, और क्या कुछ रहेगा जो मिल के उनसे आप बातें करना चाहेंगे? बिल्कुल बातें करूँगी, खैर इतना तो अभी सोचा नहीं है बात करने की, अगर उनसे मिलने का हो हद से ज़्यादा खुश होंगे और मैं पूरी रात तक बात करना चाहूँगी। अच्छा, कभी मम्मी पापा से इस चीज़ की ज़िद की कि नहीं मम्मी पापा मेरे को आप लेके चलो और मुझे योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है? कहती तो हूँ मैं मम्मी पापा से, मम्मी मुझे ले चलो, पापा मुझे ले चलो, कहती हूँ मैं, बहुत कहती हूँ। तो ये थे हमारे साथ में राधिका तोमर, जैसे देख सकते हैं कि आप इनकी अगर बात करें तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ के जो कार्यकाल है, जो कार्य हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई हैं, जिनके चलते ये भगवान की तरह योगी आदित्यनाथ की पूजा करती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राधिका तोमर का योगी आदित्यनाथ से मिलने का जो सपना है वो कब तक पूरा होता है। अपने साथी अजीत कुमार के साथ फैज़ान अहमद, डी जी महाराजा न्यूज़, आगरा।